नमस्कार। जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों यानी एग्री कमोडिटीज में क्या रुझान देखने मिलेगा। शुरुआत इस बार मसाला कॉम्प्लेक्स से करेंगे। हल्दी में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों पे प्राइस जो है वो टिक नहीं पाई और यही चीज़ हम पिछले 2 या 3 हफ्तों से कवर कर रहे थे कि 8200 से 300 के करीब जाना एक शॉर्ट कवरिंग मूव में स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन ऊपरी स्तरों पे जो हल्दी के दाम है वो टिकना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है और हम दोबारा जो एक बिकवाली का दौर है वो देख पाएंगे। 7700 के करीब जो अगस्त वायदा है उसने क्लोज दिया और ऐसा लगता है कि ओवरऑल पोजिशनल व्यू के हिसाब से 7300 से 7200 तक दाम जा सकते हैं, इसलिए सेलोन रैलीस का रुझान यहाँ पर रखना अच्छा रहेगा या फ़ायदे का सौदा होगा। ऊपरी स्तरों में 7900 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा और ऐसा लगता है एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो 7550 तक दाम जो है वो फिसल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सेलोन रैलीस करके चला जा सकता है। हालांकि अगर धनिया की बात करें तो हमने 12700 तक प्राइस को जाते हुए देखा और उसके बाद 11800 के करीब की क्लोजिंग आई है, तो काफ़ी एक बड़ी गिरावट हमने पिछले 2 या 3 सेशंस में देखी है। लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो एक पोजिशनल व्यू है जो हमने पिछले दफ़ा भी डिस्कस किया था कि 13300 तक के दाम देखने मिलेंगे, तो वही मैं मेंटेन करूँगा। जब तक 11000 से 10800 के ऊपर प्राइजेज रहेंगी तब तक लगता है जो इवेंचुअल जो एक टारगेट लेके चला जा सकता है, फाइनल टारगेट ले सकते हैं, वो 13300 से 13400 का होगा। लेकिन हो सकता है इसे आने में कुछ हफ्ते लग जाएं। इमीडिएट एक हफ्ते की बात करें तो ऐसा लगता है कि डाउनसाइड में 11600 से 550 के बीच प्राइजेज जो हैं वो संभलेंगी और अपसाइड में वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट 12400 का लेके चला जा सकता है, इसलिए यहाँ पर भी बाय ऑन डिप किया जा सकता है। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरे ने अच्छी तेज़ी दिखाते हुए करीबन 22800 से 900 के ऊंचाइयां दिखाई थी। 23500 का एक मीडियम टर्म लक्ष्य हमने पिछले 2 हफ्तों में डिस्कस किया है, तो अब भी मैं वही मेंटेन करूंगा कि जब तक फ़िलहाल 22200 के ऊपर प्राइस की हुई हैं तब तक 23500 के स्तर दिखाई देंगे, इसलिए यहाँ पर बाय ऑन डिप करके चला जा सकता है। तो ओवरऑल अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हल्दी को छोड़कर धनिया और जीरा दोनों में ही तेज़ी के आसार बने हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। वहीं अगर एडिबल और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो लगातार गिरावट हमने देखी है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हो या फिर भारतीय बाज़ारों में भी सोयाबीन और रिफाइंड सोयल में देखा है कि हमने गिरावट देखी है फ्यूचर्स मार्केट में, और सोयाबीन 6100 के करीब ट्रेड कर रहा है, वहीं 1200 के करीब रिफाइंड सोयल की प्राइस है। लगता है यहाँ से भी गिरावट जारी रहेगी, सोयाबीन में 5800 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में, और रिफाइंड सोयल जो है वो 1160 के लेवल तक को छू सकता है, इसलिए यहाँ पर उछाल पे अब भी पिकवाली करना सही है या जिसके पास पोजीशन बनी हुई है अब भी एक बार जो पोजीशन है उसे हल्का किया जा सकता है। वहीं पर अगर ग्वार सीड और ग्वार गम की बात करूं तो जो एक तेज़ी का रुख एक्सपेक्टेड था पिछले हफ्ते ग्वार गम में 10200 से 300 तक का और ग्वार सीड में भी करीबन 5350 से 5400 तक का वैसा ही होते हुए देखा, लेकिन उसके बाद पिछले 2 सेशन में हमने भारी गिरावट देखी, खास करके जो सप्ताह का आखिरी दिन था वहाँ पर अच्छी खासी गिरावट के साथ क्लोज दिया है। ऐसा लगता है कि जो एक ब्रीफ पॉज जिसे कहते हैं यानी जो बिकवाली हो रही थी उसमें थोड़ा थमने के बाद या उछाल देने के बाद दोबारा रिज्यूम हुई है और इस बार हमें नए रिसेंट लो दिखाई देंगे, 4800 से 4750 तक जाते हुए ग्वार सीड दिखाई दे सकता है। वहीं ग्वार गम जो है वो 9200 का जो स्तर है वो तोड़कर करीबन 8600 तक जाने की क्षमता रखता है, तो आने वाले हफ्ते में या उसके बाद भी अगर शॉर्ट टर्म टारगेट लें तो हमें 8600 ग्वार गम में और करीबन 4800 से 750 ग्वार सीड में देखने मिल सकते हैं। कॉटन की बात करें तो कॉटन में भी अगला जो एक फ्यूचर्स है जो अगस्त का वायदा है हमने देखा है कि 39000 के करीब चल रहा है और बैकवर्डेशन या उल्टा बदला हमने देखा है बाज़ार में। ऐसा लगता है कि आगे जो स्थिति है सप्लाई की वो सुधरने के आसार की वजह से हमने मार्केट को बैकवर्डेशन में देखा है। ऑलरेडी हमने 50000 के ऊपर के दाम देखे थे 2 महीने पहले, वहाँ से लगातार गिरावट है और ऐसा लगता है ये गिरावट का रुख जारी रहेगा। डाउनसाइड में इमीडिएट तौर पर
37,500 का अगस्त का वायदा, और जुलाई का जो वायदा है वो हो सकता है कि हमें लगभग 39,000 तक जाता हुआ दिखे। इसी साथ भी कॉटन सीड ऑयल के क्या बिनौला कल में भी हमने गिरावट देखी है और 2,350 तक जाने की पॉसिबिलिटी शॉर्ट टर्म बेसिस दिखाई देती है। आने वाले हफ्ते में 2,420 का एक इमीडिएट लक्ष्य लिया जा सकता है, जिसके बाद 2,350 तक भी दाम जो है वो गिर जा सकते हैं या एक गिरावट का रूप देखने मिल सकता है। तो ये था जैसा कि जो मेजर एग्री कमोडिटीज़ हैं, कृषि फसलें हैं, उनमें क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद।